अंजलि, क्या तुम जानती हो कि एक एजेंट का सबसे बड़ा दुख क्या है? सेल्स? नहीं। प्रोस्पेक्टिंग? नहीं। दरअसल एक जो एजेंट है ना, वो जिसे अपना कस्टमर बनाना चाहता है, वो कस्टमर उसे एजेंट की नजर से देखता है, एक छोटे दर्जे की नजर से देखता है, और वो जो फीलिंग है ना, वो एक एजेंट का सबसे बड़ा दुख है। रणजीत, इस चीज का सलूशन है मेरे पास। सही में? तो बोलो ना। आप महेंद्र कामत को जानते हो? नाम तो सुना है पर उतना अच्छे से नहीं जानता। आप भरत पारीख को जानते हो? भरत पारीख को कौन नहीं जानता। तो भरत पारीख के जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, मूलचंदानी जी, उन्हीं के पास इनकी एजेंसी है। लोगों का ये सपना होता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन महेंद्र कामत ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री को सरेंडर करके LIC के प्रोफेशन को फुल टाइम अपनाया है। क्या बात है। दरअसल अंजलि, मैं महेंद्र कामत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आज वो एक एजेंट का जो सबसे बड़ा दुख है ना, उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। अच्छा। हाँ दोस्तों, महेंद्र कामत आज एक एजेंट कैसे प्रोफेशनल बन सकता है, इसके बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही में उसके तरीके क्या है, उसके रूल्स क्या है, ये सब चीजों पर बात करने वाले हैं। तो अंजलि, ज्यादा समय न लेते हुए खेल की शुरुआत करें। ठीक है, तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं नागपुर के कॉर्पोरेट क्लब मेंबर महेंद्र कामत जी। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट महेंद्र कामत एज एन LIC एजेंट आप सभी के बीच में आज इस BITV के मेगा शो में उपस्थित हूं। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बीच में क्या कर रहा है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि एक LIC एजेंट के लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल या रुकावट जो हमारे काम की रहती है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फेस करना रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम भी अपने आप को एक CA की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक एडवोकेट की तरह प्रोफेशनल कैसे साबित कर सकें, ताकि ये भी हमारी बात सुने कि हम जो बात कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल कर रहे हैं, कहां वो गैप है जिसके कारण कई बार वो हमारी बात सुनते नहीं है एज ए LIC एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइजर, और हमें हमेशा लगता है कि भाई ये तो हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। इंटेंशनली कोई भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालता है। हो सकता है कि हम उतने प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते हो उनसे कि जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो सब्जेक्ट है, हाउ टू बी ए प्रोफेशनल, तो मैं हमारी जो जर्नी है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं एक प्रोफेशनल हूं, और वैसे ही एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं तो भी एक प्रोफेशनल हूं, तो कहां वो जर्नी शुरू होती है या वो जर्नी किस तरीके से की जाती है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। संक्षेप में, इस इंडस्ट्री में जैसे भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में दो माताएं आई थी, देवकी माता और यशोदा माता, और जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाया था और पाला था, वैसे ही मेरा भी जन्म और पालन इस इंश्योरेंस वर्ल्ड में दो डेवलपमेंट ऑफिसर, दो बड़े डेवलपमेंट ऑफिसर्स के थ्रू हुआ। मेरा जन्म इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कराया था श्री LT मूलचंदानी सर ने, जो आप जानते ही होंगे दुनिया के नंबर दो इंश्योरेंस एडवाइजर भरत पारीख जी के डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाया था, और मेरा पालन और ग्रोथ जो किया वो अभी के मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री ललित अंबानी जी, उन्होंने किया। दोनों बहुत ही शानदार डेवलपमेंट ऑफिसर है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इन दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, प्रोफेशनल कैसे बना जाए? डेफिनेटली जो हमारे बीच में बड़े एडवाइजर है वो एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर ही काम कर रहे हैं, लेकिन कई एडवाइजर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे, तो मैं आज उनके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप भी कैसे प्रोफेशनल एडवाइजर बन सकते हैं और अपना नाम एज ए प्रोफेशनल, एज ए एक्सपर्ट इन द फील्ड आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेशनल बनने का पहला जो पायदान रहता है वो रहता है कंटिन्यूअस एजुकेशन।
जिस दिन हम सीए बनते हैं, डिग्री पाते हैं, उस दिन हमारी एजुकेशन खत्म नहीं होती, वरन उस दिन से हमारी एजुकेशन शुरू होती है। रोज कोई ना कोई एक्ट में चेंज आता है, कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होता है, कोई ना कोई कंप्लायंसेस चेंज होते हैं, फॉर्म्स चेंज होते हैं, हर चीज बदलती रहती है और एज ए प्रोफेशनल हमें उसका कंटिन्यूअस अध्ययन करना पड़ता है, उसको स्किल डेवलप करना पड़ता है, उसके सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं ताकि हम हमारे क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सके। अब कई बार इंश्योरेंस एजेंट को मैंने देखा है कि वो उतना ध्यान अपने एजुकेशन में नहीं देते हैं, कुछ चार पांच प्लान जो वो बेचते हैं बस वही लेके निकलते हैं, उतना ही उनको नॉलेज रहता है, उससे ज्यादा अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो उनको उसका ज्ञान नहीं रहता है, इस कारण से वो उतना कन्विंसिंग नहीं रह पाते, उतना एफिशिएंट नहीं रह पाते। तो दोस्तों, अगर आपको एक प्रोफेशनल एजेंट बनना है तो आपको अपने हर प्रोडक्ट के बारे में, कम से कम वो प्रोडक्ट जो आप एडवाइस करते हैं उसके बारे में डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। न सिर्फ वो प्रोडक्ट आपको मालूम होने चाहिए बल्कि उसके कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से हैं, सभी कंपनियों के आपको उसका कंपैरिजन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्लाइंट पूछ सकता है कि आपके ये प्रोडक्ट में और फलाना कंपनी के ये प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तब आपने ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं सोचता हूं, देखता हूं, पूछ के बताता हूं, आपको उस टाइम उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सको। सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में ही हमें नॉलेज नहीं होना चाहिए, हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जितने सारे सिक्योरिटीज अवेलेबल है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे रियल एस्टेट के बारे में हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डेट प्रोडक्ट्स हो, चाहे गोल्ड हो, कुछ भी तरीके का अगर प्रोडक्ट है तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए और एक क्लाइंट के लिए बेस्ट क्या हो सकता है आपने वो एडवाइस करते आना चाहिए। तो इसके लिए कंटिन्यूअस आपका एजुकेशन, कंटिन्यूअस नॉलेज अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है अगर हम अपने आप को एज ए प्रोफेशनल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमेशा सीखते रहिए, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से सीखते रहिए, ट्रेनर से सीखते रहिए, अलग अलग कोर्स करिए, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, हर चीज का रोज, मैं तो ये कहता हूं कि रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने अपनी इंडस्ट्री के बारे में या इकोनॉमी के बारे में कुछ नया नहीं सीखा है। तो ये चीज आपको प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगी और सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत शक्ति है। आपको 10 चीज का नॉलेज है लेकिन आप इम्प्लीमेंट 2 ही कर रहे हो और किसी को सिर्फ 4 चीज का नॉलेज है और वो 4 को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो आपसे कभी भी आगे रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी है फ्रेंड्स की इम्प्लीमेंटेशन से क्या फर्क पड़ता है। एक छोटा सा बालक कहीं जंगल से जा रहा था तो रस्ते में एक नदी पड़ी, तो वो नदी में दूर से उसने देखा कि एक साधु वो नदी के बीच में खड़ा है और ऐसा कुछ तो भी नाक को पकड़ा हुआ है। बच्चे को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये साधु नदी के बीच में जाके क्या कर रहा है, तो वो साधु के पास गया और उसने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। तब तक पंडित जी की या साधु की वो साधना पूरी हो गई थी, वो कुछ तो भी अनुलोम विलोम टाइप का कर रहे थे कि एक नाक को दबाते थे दूसरे को खोलते थे, लेकिन अब ये बच्चे को क्या समझाना, तो उसने कहा कि मैं भगवान को बुला रहा था। तो बच्चे ने कहा ये नाक दबाने से भगवान आ जाते हैं क्या, तो साधु ने कहा हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, और साधु वहां से निकल लिया। अब इसके क्या मुंह लगना, अब बच्चे को बड़ी क्यूरियोसिटी कि नाक दबाने से भगवान आ जाते हैं और वो भी साधु ने बुलाया है तो चलो देखते हैं। वो भी नदी के बीच में चला गया और उसने एक साइड से ही देखा था तो उसको लगा दोनों नाक दबाने पड़ते होंगे, तो उसने दोनों नाक पकड़ लिए और बस वो सोच में रह गया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं ये नाक नहीं खोलूंगा। तो 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया, उसकी सांस फूलने लगी, उसको बहुत अंदर से तकलीफ होने लगी, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था और एक विश्वास था कि साधु ने बोला है कि नाक दबाने से भगवान मिलते हैं तो जरूर भगवान मिलेंगे, और जब तक भगवान मिलेंगे नहीं तब तक मैं ये नाक छोड़ूंगा नहीं।
इम्प्लीमेंटेशन बहुत पक्का था उसका। अब धीरे धीरे सवा मिनट हो गए, डेढ़ मिनट हो गया, उसका शरीर नीला पड़ने लग गया। अब ऐसे चक्कर में भगवान का सिंहासन भी डोलने लग गया, क्योंकि माता ने कहा, जो देवी थी, कि प्रभु अगर आप नहीं गए, ये बालक तो पूरा आपके ऊपर विश्वास करके ये कार्यक्रम कर रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हुआ है। तो अब जैसे दो मिनट हुए वो बेहोश होने ही वाला था या मरने वाला था, उतने में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बालक तू ये छोड़, मैं आ गया हूं, अभी बता क्या करना है। तो बालक ने देखा आग खोल के कि सही में भगवान आ गए, तो उसने अपना नाक खोला, सांस लिया, तो प्रभु के पैर पड़ लिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं आ ही गया हूं, क्या तू ये कर क्या रहा है तू? तो बोले, नहीं प्रभु, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आप आते हैं या नहीं आते। तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, मैं तो आ गया हूं, अब मैं वहां से यहां तक इतना आया हूं तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, तेरे को कुछ ना कुछ वरदान देके जाता हूं, बता तेरे को क्या चाहिए। अब लड़के को तो मालूम ही नहीं क्या चाहिए। तो उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप आते हैं कि नहीं आते। अब भगवान की भी प्रॉब्लम कि बिना दिए कैसे जा सकते। बोले, नहीं नहीं तू मांग, मैं तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं जब भी प्रकट होता हूं तो कुछ वरदान तो जरूर देता हूं। अब वो बालक ने सोचा क्या मांगना, तो वो बोले, प्रभु ये नाक दबा के रखने में बहुत तकलीफ होती है, आगे से इतना वेट मत कराया करो, जैसे ही मैं नाक को हाथ लगाऊं आप प्रकट हो जाया करो। भगवान भी क्या करते, वरदान दे दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि सिर्फ नॉलेज में कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में। वो साधु के पास नॉलेज था लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी इतनी शिद्दत नहीं थी कि वो विश्वास कर सके कि सही में उससे भगवान आते हैं। और ये छोटे बालक में, जिसको शायद वो प्रोसेस भी पूरी तरीके से मालूम नहीं था, लेकिन उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन में भरोसा था, तो उसके लिए भगवान प्रकट हो गए। और सिर्फ प्रकट नहीं हुए, आप मान के चलिए कि एक तरीके से गुलाम हो गए कि जब भी वो नाक पे हाथ रखेगा भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही बात है हमारे नॉलेज में भी, कि हम उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं और कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप थोड़ी भी चीज सीख जाए, कई लोग मैंने देखे हैं कि कई बार एजुकेशन लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, यहां से वहां, वहां से यहां, नॉलेज का भंडार हो जाते हैं लेकिन उनका काम बहुत नहीं बढ़ता। तो प्रॉब्लम शायद यही रहता होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते होंगे, सिर्फ ज्ञानी बन जाते होंगे। अगर सिर्फ ज्ञानी बनना है तो आप ट्रेनिंग की लाइन में जाइए, अगर आप एडवाइजर की लाइन में आए हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूस एजुकेशन आपकी पहली सीढ़ी है जहां से आप प्रोफेशनल बनने की तरफ बढ़ते हो। दूसरा जो आपके लिए जरूरी है एज ए प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनल सेटअप होना चाहिए, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, आपका स्टाफ होना चाहिए। कई एडवाइजर ऐसे रहते हैं जो खुद ही चालक मालक जैसे रहते हैं, खुद ही एडवाइजर है, खुद ही बैंक में जाएंगे, खुद ही LIC के ऑफिस में जाएंगे, प्रीमियम भी खुद भरेंगे, फॉर्म भी खुद भरेंगे, क्लाइंट को भी खुद ही समझाएंगे, हर चीज खुद ही करेंगे, उनका ऑफिस भी नहीं रहता है, घर से ही ऑपरेट करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बड़े क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेंगे कि आप उनको कंटिन्यूस सर्विस दे सकते हैं। एक क्लाइंट जब आपके ऑफिस में आए, आपका ऑफिस देखे, आपके स्टाफ को देखे, उसकी वर्दी को देखे, आपके सिस्टम को देखे, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ सही में ये प्रोफेशनल है और ये मेरे को लॉन्ग टर्म तक सर्विस दे सकता है। हम जो भी प्रोडक्ट देते हैं वो शॉर्ट टर्म के नहीं देते हैं, वो 15 साल, 20 साल, 30 साल के प्रोडक्ट देते हैं। तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास ऐसा सेटअप है जो अगले 25 साल, 30 साल तक उसको सर्विस दे सके। तो इसके लिए ऑफिस बहुत जरूरी है। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर सर कहते हैं कि लाइफ में ड्रेस और एड्रेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एड्रेस क्या है
और आपका एड्रेस क्या है, ये दोनों बोलता है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। तो इसीलिए आपका एड्रेस, आपका ऑफिस शानदार होना चाहिए ताकि आपके क्लाइंट भी आए या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आए तो उसे समझ में आना चाहिए कि आप भी एक प्रोफेशनल हैं। दूसरी बात आई ड्रेस की, आपका ड्रेस, आपका व्हीकल, ठीक है आपके ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट नहीं आते होंगे लेकिन आप जब क्लाइंट के सामने जाते हैं तो किस तरीके की वेशभूषा में जाते हैं, किस तरीके की बैग आपके हाथ में है कि एक प्लास्टिक की थैली लेके उसमें आप फॉर्म डाल के निकल लिए या एक वो LIC की जो बुक रहती है वो लेके निकल लिए, सिर्फ उससे नहीं होगा सर। आपका व्हीकल क्या है, आप टू व्हीलर में जा रहे हैं और मर्सिडीज वाले को बोलते हैं कि मैं आपकी लाइफ टाइम प्लानिंग करके देता हूं, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करके देता हूं, वो आपकी टू व्हीलर देखेगा और सोचेगा कि पहले तू तो अपनी प्लानिंग कर ले फिर मेरे को प्लानिंग बता। दोस्तों टू व्हीलर होना खराब नहीं है, हम भी टू व्हीलर से ही फोर व्हीलर में आए हैं, लेकिन आपके अंदर वो आस होनी चाहिए कि मैं ग्रोथ करूं, जितना जल्दी हो सके मैं टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आऊं, फोर व्हीलर में भी अच्छे फोर व्हीलर में आऊं, ताकि जब भी, क्योंकि सोशली प्रोफेशनली आप लोगों से मिलते हो कंटिन्यूअसली, एक जगह पे आप जमा होते हो, तो ये चीजें बताती है कि आप किस स्टेज पे हो। एक 100 रुपए की घड़ी भी वक्त बताती है और 1 लाख रुपए की भी घड़ी वक्त बताती है, लेकिन 100 रुपए की घड़ी सिर्फ वक्त बताती है और 1 लाख रुपए की जो घड़ी रहती है वो आपका वक्त बताती है। तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से वेशभूषा में है, हमारा प्रोफेशनल ड्रेस है क्या, नहीं तो पता चला हम जीन्स टी शर्ट में ही निकल लिए क्लाइंट के यहाँ कैजुअल इसमें और एक्सपेक्ट करें कि वो हमको प्रोफेशनल समझे। तो इस तरीके की चीजें हम जितनी अवॉइड करें या जितना हम अपग्रेड कर लें जितना जल्दी, वो हमें प्रोफेशनल बनाने में बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट जो आता है कि हमारा स्टाफ कैसा है। कई बार हम स्टाफ रखने में बहुत कंजूसी करते हैं, सस्ता स्टाफ या कम स्टाफ रखते हैं ताकि जितना पैसा बचे वो हमारे पास आए। दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल है, आपका जितना अच्छा स्टाफ रहेगा उतना ही आप प्रोफेशनल बनोगे। जितना ज्यादा आप स्टाफ रखोगे, आप इस तरीके के काम जो पेइंग काम नहीं है, आपका सबसे पेइंग काम कौन सा है, जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हैं उसके साथ एडवाइजरी की बातें कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग की बातें कर रहे हैं, उस वक्त आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का चांस है। बजाय इसके कि आप LIC के ऑफिस में लाइन में खड़े हैं या फॉर्म भर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसमें आपको कुछ कमाई नहीं है। तो इस टाइप के काम को आप डेलीगेट करिए उन लोगों को जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप फोकस करिए उन कामों में जहां आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके। और आपका स्टाफ भी अगर आपने रखा है तो अच्छे पॉलिश्ड पढ़े लिखे स्किल्ड स्टाफ रखिए। ऐसा कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, क्योंकि सस्ता जब आप स्टाफ रखते हो वो आपको हर रोज रुलाएगा, कुछ ना कुछ क्राइसिस खड़े करेगा और आपको हर बार फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। और महंगा स्टाफ, महंगा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे में महंगा हो, कई बार आप ज्यादा पैसे देके भी अच्छा नहीं मिल सकता, आपको वो चूज करना पड़ेगा कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है क्या, और फिर उसको डेवलप करना पड़ेगा, अपनी तरह ही उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको सिखाना पड़ेगा। महंगा जो रहेगा या इस तरीके का जो वैल्यूएबल, सिर्फ एक बार आप महीने में जब पेमेंट देंगे तब एक बार रोएंगे और वो भी खुशी के आंसू रोएंगे कि मैं कितना कम इसको पे कर रहा हूं और ये मेरे लिए कितनी ज्यादा सर्विस दे रहा है। तो दोस्तों अपने स्टाफ को ये आप अच्छी टीम बनाइए, हमेशा जितनी स्ट्रांग आपकी टीम रहेगी आपका काम उतना स्मूथली होगा, आपका टेंशन फ्री काम होगा और आप बड़ा काम कर सकेंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप सिर्फ एक सेल्समैन नहीं है, नेवर बी इन द बिजनेस, यू शुड बी ऑन द बिजनेस। आपको बिजनेस के अंदर घुस के काम कम करना है, बिजनेस के ऊपर से काम ज्यादा करना है। आपको ये सोचना है कि आपकी प्रैक्टिस को आप कितनी बड़ी बना सकते हो, आपको
किस नए लाइन में जाना है, किस तरीके के नए क्लाइंट्स आपको चाहिए, आपको किस तरीके के नए सिस्टम लगाने हैं, आपके ऑफिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आपको सोचने में टाइम देना चाहिए बजाय इसके कि रूटीन जो डे टू डे काम आप करते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोफेशनल बनते रहेंगे। तो अच्छे स्टाफ रख के और स्टाफ रखने के बाद उनको भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दो, और साथ में अपने यहाँ सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाओ, चाहे हार्डवेयर का हो, चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे सिस्टम का हो, ताकि उनसे कम से कम गलती हो और क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। देखिए दोस्तों, अगर स्टाफ रखने के बाद भी 100 में से 90 जगह स्टाफ जाएगा, 10 जगह आप जाओगे, तो चांस है कि वो 90 जगह गलती हो सकती है अगर सिस्टम नहीं है तो, और वो 90 में से 10 में से एक क्लाइंट आपको शिकायत करेगा कि आपका ये काम ठीक नहीं हुआ, बाकी 9 आपको नहीं बोलेंगे। और अगर इस टाइप की गलतियां बार बार होती रहेगी तो वो अपना बिजनेस दूसरी तरफ लेके जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मेरे पास से एक क्लाइंट क्यों चला गया। तो ये चीज हमें सोचने की है कि किस तरीके से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सिस्टम बहुत अच्छा करें ताकि गलतियां बहुत कम हो और हर बार वक्त के ऊपर, वक्त से पहले सही काम और सही एक्सपीरियंस के साथ हम क्लाइंट को दे सके। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोफेशनल बनने के काम आता है कि आपका एक मेंटर कुछ होने चाहिए। जैसे हमारे प्रोफेशन में सीनियर्स होते हैं जिससे हमको कुछ भी लगा तो हम उनसे एडवाइस लेते हैं, तो क्या आपकी लाइन में आपका कोई मेंटर है? वो आपका ट्रेनर हो सकता है, वो आपका कोच हो सकता है, कुछ नहीं तो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को आप अपना मेंटर बनाइए और उनसे सीखने की कोशिश करिए और उनकी बातें सुनिए। कई बार क्या होता है, हम मेंटर को ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में एक फकीर पहुंचा, तो मुस्लिम गांव था, तो सब लोग उधर पहुंचे उनके पास कि खुदा कैसा होता है, खुदा क्या है, हमें बताइए। तो फकीर तो बहुत उसने नान नकुर किया, फिर सबने जिद किया कि नहीं आप बताइए, तो बोले ठीक है मैं कल मस्जिद में आता हूँ, मैं वहां आपको बताऊंगा। तो फकीर मस्जिद में पहुंचा, दूसरे दिन सब लोग जमा हो गए, तो फकीर ने सबको कहा कि आप में से कितने लोग खुदा को मानते हैं और कितने लोग खुदा को जानते हैं? तो सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा को जानते हैं। तो फकीर ने कहा जब आप सब कुछ जानते हैं और सब कुछ मानते हैं तो मेरे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो निकल जाता हूं। वो चला गया वहां से। लोग बोले कि ये तो फंस गए हम। फिर वापस उसके पास गए, नहीं नहीं आप कल आइए, हमको बताइए। फिर उसने कहा ठीक है मैं कल आता हूं। तो दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने वही सवाल किया कि आप में से कितने लोग खुदा को जानते हैं, खुदा को मानते हैं? तो इस बार सबने, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। तो फकीर ने कहा जब आप जानते ही नहीं हो, जब आप मानते ही नहीं हो, तो मेरे बताने से भी क्या फायदा। वो फिर निकल गया। अब लोगों ने कहा अरे, फिर उसको तीसरे दिन बुला के लाया कि नहीं नहीं आप आइए, हम फिर बात करेंगे। फिर फकीर ने वही सवाल पूछा कि कितने लोग खुदा को जानते हैं, खुदा को मानते हैं? तो उन्होंने पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी, आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम जानते हैं और मानते हैं, आधे लोगों ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। तो फकीर ने कहा बहुत सिंपल हो गया ये तो, जो लोग जानते और मानते हैं, वो जो नहीं जानते मानते उनको समझा दो। फिर वो निकल गए। अब गांव वालों ने आशा छोड़ दी और वो गए नहीं। तो बाद में जब किसी ने फकीर से पूछा कि क्या आप ये बताना नहीं चाहते थे, तो फकीर ने कहा मैं बिल्कुल बताना चाहता था, अगर वो चौथी बार आते थे और कुछ नहीं बोलते थे और सुनते थे तो मैं जरूर उनको बताता था कि खुदा क्या होता है और कहां मिलता है। तो दोस्तों, मेंटर का भी ऐसा ही है, जब वो हमको कुछ बताए तो अपना दिमाग जितना आप कम लगाओगे, कई बार वो कुछ बताता है तो हम कुछ और सोचते हैं। तो हर एक की जो ग्रोथ है वो उसकी उस दिमाग के कारण है। जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया, आप देखिएगा अपनी लाइन में भी, अपने मेंटर के आगे सरेंडर कर दिया और हर चीज मानी, वो लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। और कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी है, जैसे उसमें मैं भी हूं,
कि कई बार सोचता रहता हूँ कि ये बोला है तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि इसमें उनका क्या फायदा है, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम आके अटक जाएंगे, चाहे वो COT हो, चाहे MDRT हो, चाहे 12 लाइफ हो, कुछ भी हो, जहां तक हमारी सोच जाएगी तो वहां तक हमारा काम जाएगा। नेक्स्ट जो है, हमारी कंपनी बहुत अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। जनरली हमारी लाइन में बहुत नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग हैं। तू और MDRT, मैं इतने साल से घिस रहा हूं अभी तक नहीं बना, तू क्या बन जाएगा, बहुत मुश्किल है, बिना डिस्काउंट के तो काम ही नहीं होता है, इस तरीके की फालतू की बातें बहुत आपके साथ करेंगे। और ये माइंडसेट का खेल है। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ था कि एक मैथ्स की क्लास थी जिसमें 10th की क्लास थी जिसमें 15-15 बच्चे निकाले गए थे, और 15 बच्चे की एक बैच को बैठाया और मैथ्स का एक प्रॉब्लम वहां पे लिखा और उनको बोला गया कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारे से नीचे की क्लास वालों ने भी किया हुआ है, हार्डली कोई नहीं कर पाया, ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा टीचर ने कहा, हर कोई कर लेना चाहिए, देखते हैं आप लोग कैसे कितना जल्दी करते हैं। और दूसरी जो क्लास थी 15, उनको भी वही प्रॉब्लम लिखा और उनको कहा कि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये दुनिया के 5 या 7 साइंटिस्ट ही इसको सॉल्व कर पाए हैं, बाकी लोग नहीं कर पाए, आपको क्यों दिया हमें ही नहीं मालूम, शायद ही कोई कर पाए, फिर भी आप ट्राई करके देख लो। तो दोस्तों सवाल वही था, लेकिन पहले इसमें लोग उतने उत्साह के साथ उसमें लगे कि अगर सबने किया है तो हम भी कर सकते हैं, तो 15 में से 14 लोगों ने उसको सॉल्व किया और दूसरे जो टीम थी जिनको पहले ही कहा कि ये कोई नहीं कर सकता, तो उनकी हालत पहले से ही खराब थी कि जब कोई नहीं कर सकता तो हम क्या है उसमें कर सकते हैं, तो हार्डली 2 लोगों ने उसको सॉल्व किया, बाकी 13 लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो हम भी जिस तरीके के ग्रुप में रहते हैं हमारा काम भी वैसा ही होगा, अगर हमारे चारों तरफ के लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता तो हम भी नहीं हो सकता वाले ग्रुप में आते हैं, हमारा काम भी वैसा ही होता है। और अगर हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं कि जो बोलते हैं कि ये हो सकता है तो डेफिनेटली हम भी कर लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है मास्टरमाइंड का। आपने मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर 3-4-5 लोगों का ऐसा ग्रुप बन जाए आपका कि जो सिर्फ पॉजिटिव सोचे, डेवलपमेंट की बातें करे, क्या नया सीखा है वो शेयर करे, अगर इस टाइप का आपका ग्रुप बनता है तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। मेरी भी लाइफ में मेरा सौभाग्य है कि मेरा 3 जनों का हमारा मास्टरमाइंड है, जिसमें एक गुजरात से मितुल ठक्कर जी है अहमदाबाद के, और गोवा से महेश पाई जी है, और मैं हूँ। हम तीनों मिलते हैं बीच में महीने में एक बार और आपस का हम डिस्कस करते हैं कि हमने हमारे प्रैक्टिस में क्या किया, किस तरह का प्रेजेंटेशन हम तैयार किए, किस तरीके के सिस्टम हमने तैयार किए, क्या ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया, तो इस तरीके की चीजें, क्या नई ट्रेनिंग हम अटेंड कर सकते हैं। तो जब और तीनों अलग एरिया से हैं तो कोई तीनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए हम आपस में शेयर भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये तीनों के ग्रोथ में हमारा बाकी 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरीके का अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएंगे तो आपका भी डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। और दोस्तों आखिरी में एक प्रोफेशनल का एथिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है। CA के इसमें भी हमारा एक एथिकल बोर्ड है, एथिकल स्टैंडर्ड है, वैसे ही हमारे इंश्योरेंस की लाइन में MDRT का कोड ऑफ कंडक्ट है, हमने उसको रोज पढ़ना चाहिए और उसकी बात दिल में बैठा लेनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा वो मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट होना चाहिए, मेरे लिए नहीं, मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट होना चाहिए, मैं क्या पाता हूं उससे ज्यादा मेरा क्लाइंट क्या पाता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर चीज मैं उसके साथ डिस्क्लोज करूंगा, उसको हर चीज बताऊंगा, हर चीज कंप्लायंस के साथ करूंगा। तो दोस्तों ये सब चीजें अगर हम एथिकली करेंगे तो डेफिनेटली हम प्रोफेशनल में गिने जाएंगे, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, एज ए प्रोफेशनल जो नई चेंजेस होती है वो बहुत फास्ट उसको अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो हमारी लाइन में भी टचवुड इंडिया में अभी कंप्लायंसेस बहुत कम है, अगर आप
MDRT कन्वेंशन में जाते हैं और वहां देखते हैं बाकी कंट्री के लोगों को, वहां बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस है। हर चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, आपको उसका नीड एनालिसिस, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग, उसकी हर चीज आपके पास होना कि आपने ये एडवाइस किया तो क्यों किया, और अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। हमारे इंडिया में ये चीज आने को अभी टाइम है, लेकिन डेफिनेटली ये आएगा, और जब आएगा तो हमने ये नहीं बोलना चाहिए कि ये क्यों आया है, क्योंकि ये हर जगह है, हमारे यहाँ नहीं है, तो अभी उस चीज के लिए हम तैयारी करो ताकि जब भी वो आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, ये चीजें एथिक्स जो है हमारे बिजनेस में दिखनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल, और एक प्रोफेशनल का एक चीज और अच्छी रहती है कि उसकी कोई ना कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा रहता है, वो जैसे CA है तो CA का इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर्स है तो IMA रहता है, हर चीज हर इसका एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोफेशनल कहीं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहता है, डॉक्टर्स जनरली रोटरी में जुड़े रहते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, तो हम भी कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, और इसलिए ना जाएं कि वहां से हमें कोई बिजनेस मिलेगा, बिना एक्सपेक्टेशन के जाएं, वहां अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भरपूर दें, अपने आप को एस्टेब्लिश करें एज ए प्रोफेशनल, काम अपने आप आएगा, लोग जब देखेंगे कि आप इंसान अच्छे हो तो वो हमेशा एज ए प्रोफेशनल अच्छे से एक इंसान अच्छा होना पहले जरूरी रहता है, और अगर वो देखेंगे कि आप इंसान अच्छे हैं तो वो आपके साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और लास्ट में मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोनों डेवलपमेंट ऑफिसर्स का, जो जिन्होंने मुझे इस लाइन में लाया और डेवलप किया, और खासकर अभी ललित अंबानी सर जी का जो डे टू डे मेरे साथ लगे हुए हैं और डेवलपमेंट के लिए मेरे देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। मेरे पार्टनर्स का, जो CA के पार्टनर थे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू CA की डिग्री सरेंडर करके LIC की एजेंसी ले या म्यूचुअल फंड का काम कर। मेरे पार्टनर जो सुरेंद्र उक्कर CA हैं, कैलाश केजगिर CA हैं, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हो तो एकदम से आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, टाइम देना पड़ता है। तो मुझे भी इस लाइन में एस्टेब्लिश होने के लिए 3-4-5 साल लगे थे, तो वो 5 साल उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि तुम इस लाइन में ध्यान दो, डेवलप करो, और आज भी हम साथ में हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाइफ निशा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, वो ऑफिस कंटिन्यूस मेरे साथ आती है और पूरा जो बैक ऑफिस और ऑपरेशन है वो संभालती है, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके और मैं क्लाइंट के साथ समय बिता सकूं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे स्टाफ जो दिन रात लगे रहते हैं क्लाइंट के लिए, मेरे कस्टमर, और सबसे बड़ा भगवान जिन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी और इतने सुंदर प्रोफेशन में काम करने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था, आज भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, सिर्फ उस समय एज ए CA था, इस समय एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूं, हूं वही प्रोफेशनल हूं, और चाहूंगा कि आप सब भी इसी तरीके से प्रोफेशनली काम करें और अपने आप को एज एन प्रोफेशनल एडवाइजर एस्टेब्लिश करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच टू BITV। तो रंजीत, क्या एक एजेंट के दुख का सोल्यूशन मिला आपको? सही में, जब कोई एजेंट अपनी एजुकेशन पे काम करता है और मिली हुई एजुकेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और साथ में अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करता है, तो वो प्रोफेशनल तो बनेगा ही ना। उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में और एक चीज कही कि 100 रुपये की घड़ी वक्त दिखाती है, लेकिन 1 लाख की घड़ी मेरा वक्त दिखाती है। क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग डायलॉग। और उन्होंने और एक चीज बताई कि प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए आपके पास एक बढ़िया टीम और एक बढ़िया मेंटर होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और दो चीजों पे उन्होंने और जोर डाला। पहली चीज ये कि एक एजेंट को कंटिन्यूस बेसिस पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, निःस्वार्थ भावना से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। करेक्ट। और महेंद्र जी,
आपने एक एजेंट को प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में हमें जो जानकारी दी, इसके लिए हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं।